प्रिज्यूम सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर में हम लोग प्रिज्यूम करते हैं, क्या प्रिज्यूम करते हैं बोलो, क्या प्रिज्यूम करते हैं, क्या प्रिज्यूम करते हैं सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर में, क्या प्रिज्यूम करते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है अनलेस अदरवाइज एग्रीड अबाउट, मतलब अगर रिटर्न में कर लोगे और उसको रजिस्टर करा लोगे तो आपके क्या मान लेंगे हम, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, ये बात कहाँ पे लिखी है, सेक्शन नंबर 11, तीन कंडीशन है, फर्स्ट मेजर होना चाहिए, मेजर मेजर कौन होता है 18 प्लस, सेकंड पॉइंट साउंड माइंड, साउंड माइंड मतलब समझ में आना चाहिए कि हो क्या है, ठीक है, और थर्ड व्हाट इज क्वालिफाइड अंडर एनी अदर लॉ। सही बात बताओ, जो विजय माल्या है, विजय माल्या कौन है, विजय माल्या, इसकी स्टोरी बताई थी मैंने, ठीक है। अच्छा विजय माल्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कर सकता है, क्यों, मेजर भी है साउंड माइंड का भी है, पर ये डिस्क्वालिफाइड है, क्यों डिस्क्वालिफाइड कैसे हो गया, अच्छा इसको डिस्क्वालिफाइड किसने करा होगा, गवर्नमेंट ने, इसने करा क्या था, वैसे पैसे लेके भाग गया था है ना, कहाँ से, बैंक वगैरह से, ठीक है, और ये किंगफिशर का मालिक है, तो इस ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसको डिस्क्वालिफाई कर रखा है, इसको डिस्क्वालिफाई करा था सेबी, इसने सेबी, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और आपको पता है विजय माल्या के आने की वजह से बहुत सारी अमेंडमेंट आई थी, बहुत सारे लॉज, ठीक है बेटा। अच्छा विजय माल्या कौन था, बिल्कुल डिफॉल्टर कौन था, फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, हिंदी में क्या बोलते हैं, भगोड़ा, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बताओ, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू, आगे फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट मतलब बेटा एक कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी, कब, अगर वो पांच तरीके से ली गई है, पहला कोर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल नहीं माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ है, फ्रॉडलेंट है, प्रोवाइड इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी और इमोरल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, इसकी पूरी लिस्ट है ना बेटा। आगे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे पता चलना चाहिए किस चीज से कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करना है जो पॉसिबल हो परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट लीगल फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी, सही है। मुझे पता है बेटा ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो आपको वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे अच्छा लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, बता दो जरा, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, on the basis of formation, or third on the basis of execution, ठीक है। on the basis of enforceability हमने कर लिया था, कौन कौन से केस के अंदर, first is contract, contract मतलब जो section 10 की सारी condition satisfy करेगा that is called contract, second void agreement, void agreement का मतलब जो सेक्शन 10 की कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करेगा, अच्छा सेक्शन 10 की सारी कंडीशन कंप्लाई करनी है, कोई एक करनी है, सारी करनी है, अगर कोई एक भी छूट गई तो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, वॉइड होगा, ठीक है। थर्ड
वर्डेबल एग्रीमेंट। अच्छा कौन बताएगा मुझे वर्डेबल एग्रीमेंट? हाथ खड़ा करना। वर्डेबल मैंने बोला था हाथ खड़े करने। हाँ जी कौन बताएगा? बाकी नहीं बता पाएंगे क्यों? मतलब सोच सोच के कर रहे हो। बताओ बेटा आप बताओ। उस पर्सन को क्या बोलते हैं? एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है उसकी मर्जी है, वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर सकता है वॉइड भी कर सकता है। वैलिड करना तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। और वॉइड करना तो कोर्ट में केस फाइल करना है। अच्छा जब तक आपने वॉइड नहीं करा तब तक कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। ठीक है अच्छा फोर्थ पॉइंट बताओ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो शुरू में तो वैलिड था लेकिन बाद में वॉइड हो गया। क्यों? ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है जी नेक्स्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो इन्फोर्स नहीं हो सकता ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। टेक्निकल मतलब मशीन खराब हो गई, फिर अच्छा वाईफाई खराब हो गई, तो दैट इज टेक्निकल डिफेक्ट। क्या होता है टेक्निकल डिफेक्ट? टेक्निकल डिफेक्ट का क्या मतलब है? कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है उसको हम हटा दे या उसको ठीक कर दे तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल हो जाएगा। यस नेक्स्ट बता दो। इलीगल। इलीगल कब होता है? जब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इलीगल। इलीगल ठीक है। आप लोग घर जाके पढ़ते हो? रिस्पॉन्स तो उतना नहीं देते हो जितना मैं सोचती हूँ। ठीक है बेटा थोड़ा और पढ़ो, समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। पहले करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। देखो फिर अगले पेज पे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। फर्स्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है व्हेन बोथ द पार्टीज, व्हेन बोथ पार्टीज। हैव कंप्लीटेड देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है वेन इधर वन पार्टी और बोथ पार्टीज नॉट येट कंप्लीटेड देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। हाँ जी बताना जरा क्या लिखा है ये दोनों पॉइंट्स। ए और बी ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कार बेचने का 5 लाख। अब इसके बेसिस पे बताना है आपने कि कब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और कब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपने बताना कैपेसिटी हो
बताओ, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? व्हेन बोथ पार्टीज हैव कंप्लीटेड देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है बेटा? वो तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? एक ही क्या ऑब्लिगेशन है? ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूटी. ड्यूटी एक ही क्या ऑब्लिगेशन है? गाड़ी देना. और बी की क्या ऑब्लिगेशन है? पैसे देना. ये तो ऑब्लिगेशन है. कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन है ना. तो बता दो जरा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब बोथ पार्टीज ने क्या कर ली? अपनी अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर ली. मतलब ए ने गाड़ी दे दी और बी ने पैसे दे दिए, तो क्या बनेगा वो? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हेन ईदर वन पार्टी या फिर बोथ पार्टीज नॉट येट कंप्लीटेड देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. मतलब या तो ए ने पैसे नहीं, ए ने गाड़ी नहीं दी, या तो बी ने पैसे नहीं दिए, या तो ए ने भी नहीं दिए और बी ने भी नहीं दिए. वो क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. मतलब ये फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे. अच्छा, ऐसा कर सकते हैं, आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया 10 दिन बाद का, कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं. या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना. ठीक है, अब बताओ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब या तो किसी एक पार्टी ने या फिर दोनों पार्टीज ने अभी अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लाई नहीं करा है. समझ में आ गई? और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को कंप्लाई कर दिया है. अभी भी समझ नहीं आया? आ गया सबको? आपको? ठीक है. अच्छा, क्या बाद में जाके एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? कैसे बनेगा? जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लेंगी, तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. बोलो यस और नो. यस. इजी है? यस. है ना. तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लाई कर लिया. और एग्जीक्यूटरी जब या तो किसी एक पार्टी ने या फिर दोनों पार्टीज ने अभी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को कंप्लाई नहीं करा. अच्छा, दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लाई कर लेगी, फिर ये एग्जीक्यूटरी रहेगा या एग्जीक्यूटर बन जाएगा? एग्जीक्यूटेड. एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक वर्ड होता है एग्जीक्यूट, इसका मतलब क्या होता है? कुछ काम करना. एग्जीक्यूटेड मतलब आप कर चुके हो, ठीक है, और एग्जीक्यूटरी मतलब अभी करोगे. ठीक है, ये वर्ड तो सुना ही होगा आपने, एग्जीक्यूट करना. एग्जीक्यूट मतलब काम कुछ करना. एग्जीक्यूटेड मतलब पास्ट टेंस में चला गया, आप कर चुके हो, ठीक है, और एग्जीक्यूटरी मतलब करोगे. क्लियर? श्योर? चलो, लिख लिया सबने? आगे लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. तुम्हें समझ में नहीं आती जल्दी वैसे? आ जाती है? आ जाती है? नहीं आती? नहीं आती? किस किस को नहीं आती? अच्छा, किस किस को आ जाती है? और जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे उनको क्या समझ नहीं आता? समझ में आ जाता है? हमारे चेहरे से लगता तो नहीं है कि तुम समझ में आ रहा है. आ जाता है? बोलो. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. फर्स्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. देखो बेटा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वर्ड्स में होता है. इसमें होता है जो वर्ड्स में. वर्ड्स मतलब शब्द. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शब्दों में करा जाता है, वर्ड्स में करा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, वर्ड्स जो होते हैं वो ओरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं. कैसे? ओरल मतलब मैंने हिमांशु को अपना फोन बेचना है, मैंने इसको बोला कि मेरा फोन खरीदोगे, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एक्सप्रेस. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? है. अच्छा, मैंने इसको व्हाट्सएप कर दिया कि मेरा फोन खरीदना है, क्या ये रिटर्न में है? क्या वर्ड्स में हो रहा है? यस. नहीं हो रहा? यस, दैट इज आल्सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. दूसरा होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट.
इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. Which is inferred from the act or conduct of the parties. अच्छा express contract क्या होता है, या तो बोलकर या तो लिखकर, इसको क्या बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, मैंने आपको बोला दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको लिख के दिया दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, लेटर भेजा मैंने आपको, क्या है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कैसे बनता है, बाय द एक्ट बनता है या फिर कंडक्ट ऑफ द पार्टीज बनता है. मतलब अच्छा तुम लोग ट्रेन में कभी सफर करते हो, करते हो? अच्छा, जब हम ट्रेन से उतरते हैं वहां पर बड़े सारे कुली खड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं हमसे बिना पूछे हमारा बैग उठा लेते हैं. हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है? Yes. होता है ना. तो क्या हुआ, ये हिमांशी है, ठीक है, ये ट्रेन से होते, उसके पास बहुत सारा लगेज था, ठीक है, तो एक कुली आया, उसने इससे बिना पूछे इसका बैग उठा लिया और इसने मना भी किया, ठीक है, और बाहर जाने लगा और ये भी उसके पीछे पीछे जाने लगे. क्या इसने कुछ बोला, क्या उसने कुछ बोला, क्या कुछ लिखा इन दोनों ने आपस में? नहीं लिखा. क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्या बाहर जाके बोले कि मैं पैसे नहीं दूंगी, क्या देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे. अच्छा वो बोल देगा तो मेरा होगा सामान, आपको वापस नहीं, ऐसा होता है? या उसको सामान वापस देना पड़ेगा? देना पड़ेगा. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड? इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. ठीक है, ना आपने कुछ बोला ना आपने कुछ लिखा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया. कैसे हो गया? आपके कंडक्ट से, आपके एक्शन. समझ में आई मेरी बात? तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर. अच्छा मेट्रो के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रोज, है ना, अगर हम किसी मेट्रो में चढ़ गए तो हमें पता ही है कि उसको वहां पे पहुंचाई देगी, बीच में तो नहीं रोक देगी ना हमें, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इम्प्लाइड. आ रही है बात समझ में? तो डेली बेसिस पे हम क्या कुछ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या कुछ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, है ना. अच्छा हमारी मम्मी बोलती है, क्या बोलती है, कि कुछ सब्जी ले आओ पास से, बोलती है फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए बोलती है? नहीं बोलती है. और क्या बोलती है, जो बच्चे पे पैसे होंगे वो आप रख लेना. ऐसा होता है कई बार, तुम बोलते हो मैं तभी लाऊंगा या लाऊंगी जब आप मुझे इसके बच्चे पे पैसे मुझे दे, होता है कई बार ऐसा? तो वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस है इम्प्लाइड? एक्सप्रेस है, वो तो तुमने बोला है, ठीक है. अच्छा इम्प्लाइड है, तुमने कुछ नहीं बोला फिर भी तुमने पैसे रख लिए, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. नहीं, ह्यूमन बींग्स, हाँ वो अंदर लोग भी तो होते हैं बेटा. ड्राइवर चलाता है मेट्रो, हाँ, बट हाँ मैं समझ गई भावना तुम्हारी, बट इंसान के साथ हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, मशीन के साथ नहीं हो सकता, इतनी टेक्नोलॉजी बड़ी नहीं इंडिया की, ठीक है, क्लियर. अब इसको लिखो, लिखिए. थर्ड इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा एक बात बताओ, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, किसने बनाया, हमने बनाया, पार्टीज ने बनाया, लॉ ने बनाया? ये लॉ ने बनाया था, पार्टीज ने बनाया, लॉ ने बनाया, पार्टीज ने बनाया. मुझे फोन भेजना तो मैं करूंगी ना कॉन्ट्रैक्ट, लॉ थोड़ी करेगा मेरी जगह, बोलो. तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया, पार्टीज ने बनाया, लॉ ने नहीं बनाया, ठीक है. अच्छा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखते हैं फिर समझते, लिखिए बेटा. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, लिखना है, इट इज क्रिएटेड बाय on the basis of principle of equity. इक्विटी मतलब या तो फेयरिटी, ठीक है, इसका मतलब है इट इज बेस्ड, हाँ जी,
अभी बताऊंगी बेटा सब कुछ. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. That no person can be enriched at the cost of other. Other person. ठीक है जी. पर्सी कॉन्ट्रैक्ट कौन बना रहा है? पार्टी है, लोग लॉ बना रहा है. किसके बेसिस पे बना रहा है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. अच्छा आपका नाम क्या बेटा? खुशी. हाँ नाम मुझे याद नहीं रहते. ठीक है अच्छा खुशी है. ठीक है अच्छा सिर्फ एक ही लड़की का नाम खुशी है या और लोगों का नाम भी हो सकता है? हो सकता है ना. ये एक नाम का एक ही बंदा होता है, बहुत सारे. ठीक है तो खुशी ने ना क्या करा, अमेजोन से एक पार्सल पाया. अमेजोन पता है क्या है? क्या है अमेजोन पे क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है. अच्छा अमेजोन का मालिक कौन है? आपको पता है अमेजोन पे ऐसे एक एरो बना हुआ है, देखा कभी? इसका मतलब क्या है? ए टू जेड सब कुछ मिलता है, ए से लेके जेड तक लोगो है. कभी ध्यान से देखा हो तो इसका मतलब क्या है? अमेजोन पे ए टू जेड सब कुछ मिलता है. चलो ठीक है. खुशी ने अमेजोन से ना कुछ एक फोन मंगाया. ठीक है क्या मंगाया? फोन मंगाया. और इसने ना पहले से पेमेंट कर दी, ऑनलाइन पेमेंट इसने पहले कर दी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं करी. ठीक है जी. अब फोन आएगा तो इसके पड़ोसी में ना एक और लड़की रहती है खुशी, उसका नाम भी सेम है. ठीक है और पेमेंट पहले हो चुकी है. ठीक है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करा है? अमेजोन के साथ. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये? एक्सप्रेस इम्प्लाइड. जो खुशी ने अमेजोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? एक्सप्रेस इम्प्लाइड. एक्सप्रेस क्यों? क्योंकि रिटर्न में होता है वो पूरा, देखा है आपने कभी? ठीक है. अच्छा इसके पड़ोस में एक और लड़की रहती है खुशी. ठीक है अब फोन आना था. ठीक है और क्या करा जो ये था ना डिलीवरी बॉय, इसने इस खुशी को फोन दे दिया. हो सकता है ना? तो बताओ क्या इसका, क्या इसकी जिम्मेदारी बनती है फोन वापस देने की? बोलो हाँ ना. क्या ये देगी? क्या देना पड़ेगा? बताओ. अगर नहीं दिया तो केस फाइल हो सकता है? हो सकता है. अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना किसने बनाया? दोनों ने बनाया, लॉ ने बनाया? लॉ ने बनाया. ठीक है और कौन से बेसिस पे बनाया? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फेयरिटी. मतलब आपको सच के रास्ते पे चलना है. इक्विटी का मतलब बराबर हिस्सा करना है. मतलब इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नो पर्सन कैन बी एनरिच एट द कॉस्ट ऑफ अदर. मतलब कोई पर्सन दूसरों के पैसों से अमीर नहीं हो सकता. पैसे किसने दिए थे? इसने दिए थे. अमीर कौन हो गया? इसको मिल गया फोन. कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता. ठीक है इट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी का मतलब होता है हाफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है और ये कौन बनाता है? लॉ बनाता है. क्लियर? कल को ये बोल सकते हैं कि हम क्यों, मैं आपको क्यों दू पैसे? जो फोन के दू, हमारा थोड़ी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ. बताओ ये देना पड़ेगा इसको फोन? देना पड़ेगा. अब लिखो कोई और एग्जाम्पल. कोई और एग्जाम्पल देखते हैं. बिल्कुल पहले लिखो. हो गया? अच्छा देखो एक ना स्टूडेंट है. ठीक है ये ना एक कोर्स कर रहा है, कोर्स का नाम है बीटेक. बीटेक क्या होता है? इंजीनियरिंग. कौन करता है? साइंस वाले लोग. हम लोग कर सकते हैं? कॉमर्स वाले कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ठीक है अच्छा क्या साइंस वाले सीए और सीएम कर सकते? ऐसा क्यों? क्यों ऐसा क्यों? उनको थोड़ी आती है अकाउंट्स? आती है? नहीं आती. फिर वो क्यों कर सकते हैं सीए और सीएम? हम क्यों नहीं कर सकते बीटेक? क्योंकि ऐसा बोलते हैं सबसे टॉप लेवल पे क्या होता है? साइंस होता है. साइंस वाले नीचे जा सकते हैं लेकिन नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते, है ना? साइंस वाले कॉमर्स में भी आ सकते हैं और आर्ट्स में भी आ सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले कॉमर्स में नहीं आ सकते, साइंस में नहीं आ सकते. लेकिन मजे की बात पता है क्या है? सीए और सीएम में सीएस आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, है ना? मतलब ये तीनों कोर्सेस कोई भी कर सकते.
चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक ये बच्चा है, ये बीटेक कर रहा है, ठीक है, इसको ना बुक्स मंगवानी है। क्या मंगवानी है? बुक्स मंगवानी, ठीक है। बुक्स कैसे आएंगी? पोस्ट से आएंगी। से आएंगी बेटा? पोस्ट से। और इसने ना पहले प्री पेमेंट कर दी किताबें मंगाने की, ठीक है। मंगा सकते हैं ना बुक्स ऑनलाइन? बिल्कुल मंगा सकते, ठीक है। अब जो एक पोस्टमैन होगा वो देके जाएगा, पोस्टमैन इसको देके जाएगा किताबें, इसकी जिम्मेदारी है देना, ठीक है। अब पोस्टमैन ने इसको कॉल करा, क्या बोला कि आपकी ना बुक्स आएंगी, खुद ले जाओ। क्या बोला? पोस्ट ऑफिस में पड़ी है, अपने आप ले जाओ। ये क्या बोलेगा कि आप देके जाओ हमारे घर पे, है ना। तो पोस्टमैन कह रहा है मैं दे तो जाऊंगा, लेकिन बदले में ना आपको मेरे को 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। क्या बोल दिया? आपको मुझे बदले में 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। मुझे बताओ ये पोस्टमैन किसी और के खर्चे पे अपने आप को एनरिच कर रहा है, नहीं कर रहा? यस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वैलिड? ठीक है। 20,000 मांगेगा वो? नहीं। अगर मांगेगा तो देने पड़ेंगे, नहीं देने। सिंपल। और वैसे भी पोस्टमैन की तो लीगल ऑब्लिगेशन है करना, है ना, उसकी ड्यूटी है, ठीक है। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? पढ़ना। तुम लोग पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? अच्छा तुम लोगों ने अपनी मर्जी से ज्वाइन करा कोर्स सीए और सीएम? बताओ ना, झूठ बोल रहे हो। वो तो अपनी मर्जी से ज्वाइन करा सीए, पक्का? किस किस का ड्रीम है सीए बनना? हमेशा से था सीए बनना और सीए में बनना, तुम्हारा ड्रीम था, फर्स्ट ड्रीम। जब बचपन में होता है हमारा कुछ फर्स्ट ड्रीम होता है, क्या था? सिंगर बनना होता है, डांसर बनना होता है, ये थोड़ी होता है सीए बनेंगे या सीए में बनेंगे। चल इतना क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, आप बोलो। तो वो आपको पैसे देगा, आपको पहले बोलना चाहिए था, तो हो गया करता है फिर लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है जी, डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा बता दो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं? तीन, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। एनफोर्सेबिलिटी में कितने हैं? 6 है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस को कंप्लाई करेगा। सेकंड, वॉइड एग्रीमेंट, दैट इज सेक्शन 10 की कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पाए। थर्ड, वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट कब होता है? जब फ्री कंसेंट मिसिंग है। फ्री कंसेंट मिसिंग कब होती है? जब वो 5 तरीके से ली जाती है, दैट इज कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अच्छा, जिसकी भी कंसेंट फ्री नहीं है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीव्ड पार्टी बोलते, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो पहले इनफोर्सेबल था बाद में इनफोर्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट, अन इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ बेटा, देखते हैं कौन बता पाता है, ठीक है। ए और बी, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट बोला, मैंने एग्रीमेंट नहीं बोला। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या बेचने का? हॉर्स बेचने का। क्या? हॉर्स, घोड़ा, ठीक है। ए बेचेगा बी को कॉन्ट्रैक्ट, और बी बदले में क्या देगा इसको? 10,00,000 रुपए देगा, ठीक है। ये काम वैलिड है, इनवैलिड है? वैलिड है, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या हुआ? अच्छा ये जो कॉन्ट्रैक्ट करा था ना, आफ्टर 10 days का करा था। क्या करा था? आफ्टर 10 days, ठीक है। अब क्या हुआ? आफ्टर 5 days इसने हॉर्स की हो गई डेथ। हॉर्स की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब आपने ये बताना है ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दिस, और क्या ये एनफोर्सेबल है? Enforceable. ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? ये पहले पॉसिबल था लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कैसे आ गई इसके अंदर? क्योंकि घोड़ा बन गया, उसको जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते जिंदा, ठीक है। और ये इन्फोर्सेबल है? बताओ, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, इन्फोर्सेबल है? इन्फोर्सेबल नहीं है। क्यों इन्फोर्सेबल नहीं है? इन्फोर्सेबल क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है।
जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करा था वही चीज ही नहीं है, ठीक है, क्लियर? तो पूछ सकता है बेटा आपके एग्जाम में कि विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दिस और वेदर इट इज इन्फोर्सेबल और नॉट, राइट? ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या था? इलीगल, अनइन्फोर्सेबल. अनइन्फोर्सेबल क्या होता है? टेक्निकल डिफेक्ट, अगर उसको डिफेक्ट को हटा देंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा. उसके बाद इलीगल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लीगल नहीं होगा. आगे बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटेड क्या होता है? जब दोनों पार्टीज ने ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर ली, और एग्जीक्यूटरी जब किसी एक पार्टी ने या फिर दोनों पार्टीज ने अभी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं करी. आगे बताओ बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तीन तरह के होते हैं, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और पॉसिबल. एक्सप्रेस क्या होता है? जो वर्ड्स में होता है, चाहे रिटन चाहे स्पोकन, ओरल या रिटन, एक ही बात है, ठीक है. और इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, राइट. उसके बाद फॉर्सी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो किसने बनाया? पार्टीज ने बनाया, लॉ ने बनाया? तो लॉ ने बनाया, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इसका मतलब नो पर्सन कैन एनरिच हिमसेल्फ ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर, ठीक है. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है? पक्का बताओ, तुम्हें सबको समझ में आता जो मैं बोलती हूँ? सोच लो बेबी, आपको समझ में आया? ठीक है, आज यही करे, इतने खत्म करे, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास पे. अच्छा, जितना मैंने कराया है उतना सुनूंगी मैं सबसे, परसों सबसे सुनूंगी एक एक से, ठीक है, और सबने सुनाना है. चलिए ठीक है.